छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये ब्लास्ट जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीलगेर और तिकुला गुडेम के बीच हुआ है। एडिशनल SP आकाश राव ने बताया कि सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सीलगेर और तिकुला गुडेम के बीच आज दोपहर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा वाहनों को उड़ा दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के KM सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेन्द्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है।